सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे यूके वीज़ा ट्रेंड पे कि यूके की वीज़ा सक्सेस रेट क्या चल रही है। यदि आप यूके में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या वीज़ा मिलने के चांस हैं आज की डेट में या नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी जाएगी और कैसी प्रोफाइल आप लगा के यूके का वीज़ा ले सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम बता दें कि यूके का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी वीक हमारे यूके के 2 वीज़ा अप्रूव हुए, आप देख सकते हैं। तो वीज़ा इजीली आ रहे हैं बट प्रोफाइल बढ़िया चाहिए। ये नहीं है कि वीक प्रोफाइल पे भी वीज़ा आते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा अच्छी प्रोफाइल पे वीज़ा आते हैं। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अच्छी की प्रोफाइल कैसी मानी जाती है? आपकी मंथली सैलरी कंटिन्यूसली आ रही हो। आप जॉब कर रहे हैं तो मंथली आपकी सैलरी जो आ रही है वो अप्रॉक्स 30-40 हज़ार एटलीस्ट ज़रूर हो। 40 हज़ार जो सैलरी होती है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है यूके वीज़ा के लिए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो मंथली यदि आपकी जो इनकम है वो अप्रॉक्स 40 हज़ार के आसपास हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। बिजनेस है तो बिजनेस के प्रूफ कंप्लीट होने चाहिए, जॉब है तो जॉब के प्रूफ कंप्लीट होने चाहिए, फार्मर हैं तो फार्मिंग के प्रूफ जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। आपके पास अपनी जॉब के इनकम के प्रूफ कंप्लीट हैं और आपके पास एक मेंटेन बैलेंस है, आपकी स्टेटमेंट जो है वो 3 से 4 महीने पुरानी आपके पास है और उसमें आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन है, देन आप यूके वीज़ा के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आपके पास कोई लार्ज ट्रांजेक्शन आई है तो उसे एक्सप्लेन करें। आपका प्लान जो है वो बिल्कुल बढ़िया बना होना चाहिए। ट्रैवल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक कवरिंग लेटर जो एक्सप्लेन करे आप ट्रैवल क्यों करने जा रहे हैं, क्या रीज़न है कि आप वहाँ से वापस आएंगे, आप वहाँ कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं देन आपका वीज़ा के जो चांस है वो बहुत ईजी रहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा जो यूके है वो डॉक्यूमेंट जो मांगता है वो है आपके आइटनरी कंप्लीट हो, आपका होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट, आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप अपनी साथ में लगाएं, आपके सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट साथ में हो और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, करंट अकाउंट हो, आपकी जो इनवॉइस बिल आ रहे हैं वो होने चाहिए। आपको अपने मंथली एक्सपेंस भी डिस्क्राइब करने होते हैं कि आप मंथली कितना एक्सपेंस करते हो, आपकी फैमिली किन पे डिपेंड है, आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है तो आप उनके लिए कितना कमा रहे हो और उसे आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो। ये सब चीज़ें यदि आपकी क्लियर होती हैं देन आपके वीज़ा के चांस बहुत बढ़िया रहते हैं। यूके का वीज़ा लेना आसान होता है यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी है। प्रोफाइल अच्छी नहीं है, मैं बार बार कहूँगा कि आपके वीज़ा के चांस जो है वो बहुत कम रहेंगे। प्रोफाइल अच्छी है तभी वीज़ा लगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तब भी आपका वीज़ा के जो चांस है वो बहुत बढ़िया रहते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री एक बढ़िया बनाए, ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास बढ़िया होगी तो वीज़ा के चांस जो हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगे। तो हमेशा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़िया बना के रखें तो वीज़ा के चांस हमेशा अच्छे रहते हैं हर एक कंट्री में। तो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है देन आप एलिजिबल रहते हो यूके वीज़ा के लिए। और आप अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो हमसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।